मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज को देख लेते हैं। हमारी कल की एनालाइज कुछ इस तरह थी कि तब मार्केट थी 58 से अप इस एरिया में। मैंने ये कहा था कि अगर तो ये शेडो ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो यहाँ से हो सकता है ये 67 के आसपास तक टेस्ट करने के बाद जो है वो ये 45 से 40 को टेस्ट करे, और अगर तो ये एरिया ब्रेक नहीं होता और यहाँ बुलिश क्लोज हो जाता है तो फिर ये 75 तक जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसने जैसे ही इस एरिया को ब्रेक किया है उसके बाद जो है वो कोई करेक्शन ही नहीं हुई। 1 मिनट के अंदर जो है इसने 61 तक जो है वो टेस्ट किया मार्केट। जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि ये एरिया बहुत जो है वो बीच के नीचे के लेवल ब्रेक हैं, तो इसलिए जो है वो कोई पता नहीं है कि किस लेवल तक जो है वो फास्ट मूव हो जाए। तो वही था कि यहाँ पर जैसे ही ये क्लोज लगा तो इट मीन्स कि यहाँ तो और कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, और यहाँ से जो है वो एक सेल लगा जो 49.41 तक जो है वो आया। तो ये थी हमारी एनालिसिस, और इसके जो मूवमेंट हुई वो भी आपके सामने। अब देख लेते हैं कि आज के लेवल इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि 56 से 59 का जो एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से ज़्यादा चांस हैं कि अभी मार्केट जो है वो यहाँ तक जाए, लेकिन यहाँ से बाइंग बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि हो सकता है कि ये 53 से भी जो है वो रिजेक्ट हो जाए। यहाँ से भी रिजेक्ट होने के चांस हैं। अगर तो ये 53 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो फिर ये एरिया 56 से 59 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो यहाँ से जो है वो इस तरह की मूव होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। इसमें जो है वो एक ये पोजीशन है। अगर तो ये 59 के ऊपर H4 क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से जो है वो दोबारा ये ऊपर की मूव की तरफ जो है वो वहाँ की जा सकती है इस तरह से। तो इस तरह की पोजीशन हो सकती हैं। दो अभी जो है वो पोजीशंस फ़िलहाल नज़र आ रही हैं, और फिलहाल कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ से ये रिजेक्ट होगा या यहाँ से इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोजीशन भी ऐसी ऊपर के जो लेवल हैं वो 67 से 72 वाला एरिया है और नीचे जो है 59 से 56 का एरिया। तो इस तरह की पोजीशन है इस टाइम, इसको अच्छे से मॉनिटर करिएगा। मैं फ़िलहाल आपको किसी वन साइडेड की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। अगर तो ये 40 का एरिया नीचे ब्रेक कर चुका होता तो फिर तो ये कन्फर्म था बहुत ज़्यादा कि ये 56 से 59 के एरिया को एज ए रिजेक्शन, मतलब यहाँ से रिजेक्शन होगी इसको, लेकिन वो नहीं हुआ है अभी तक। ये 41 से जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये है कि अब कुछ पोजीशन क्लियर नहीं है फ़िलहाल कि ये ऊपर इससे ही रिजेक्ट होगा या फिर इसको अपसाइड ब्रेक करेगा। ये है कि 53 का एरिया जो ये जो लेवल नज़र आ रहा है आपको 53.192, इसके ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो फिर शायद बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये ऊपर साइड 59 को भी शायद ब्रेक कर दे। लेकिन ऊपर की बाइंग बड़े एहतियात से करिएगा। अगर 59 को ये क्लोज करता है ऊपर तो फिर यहाँ पर बाइंग बड़े एहतियात से करिएगा ध्यान रख के। तो आज बस सिंपल से कस की तरह जो है वो आज भी सिंपल लेवल हैं और जो मैंने बता दिए हैं। और चैनल पे नए आने वाले दोस्तों को स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। और बहुत जैसे मैं पिछले कई वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि अगर किसी को एनालाइज की बेस पे ट्रेड करना समझ में नहीं आता या कुछ आता तो हमारे इसी चैनल के अंदर जो है वो लर्निंग बेस प्लेलिस्ट हैं दो, और उनमें जो है वो सारी लर्निंग बेस वीडियोज़ हैं और पूरी अच्छे से हम किस तरह हमारे मेथड पे काम करना है और हमारी मतलब किस तरह से जो है वो एनालाइज और सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको देखकर और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और ये काम हमेशा सीख के जो है वो किया जा सकता है।
मुमकिन नहीं है कि इसके अंदर सक्सेस होने के लिए कोई सिग्नल्स और इस तरह से जो है वो कोई सर्विस से जो है वो इसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ थी मैंने बता दिया, और होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।